हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू टू ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एम इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस थ्री। रिपीटेड रूट्स हो गए। जब भी रिपीटेड रूट्स होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है सी वन प्लस सी टू एक्स e रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। रिपीटेड रूट्स हैं इसलिए c1 वन प्लस सी टू एक्स आएगा और e रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन d प्लस थ्री होल स्क्वायर इंटू टू रेस टू इंटू ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। जैसा कि हमें पता है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन होती है तब हमारे पास, चूंकि यहाँ पर a बराबर माइनस तीन है तो यहाँ d की जगह अगर हम a रखते हैं यानी माइनस थ्री, तो ये जीरो हो जाता है। इसलिए जीरो हो जाता है तब हमारे पास इसका फॉर्मूला है जो कि हमने डिराइव किया था, उसकी वजह से यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ये टू बाहर आ जाएगा यहाँ पर, इंटू ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एंड दिस इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स e रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर e रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या हम काम में लेते हैं। जब भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में q इज इक्वल टू e रेस टू एक्स होता है तब यहाँ ये चीज, अगर एफ डी वाई इज इक्वल टू e रेस टू एक्स इस फॉर्म की होती है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा हो जाता है यहाँ पर हमारे पास वन अपॉन एफ डी ई रेस टू पावर ए एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू वन बाई एफ ए ई रेस टू पावर ए एक्स। परंतु अगर एफ ए जीरो हो जाता है तब हम इस तरह से काम में लेते हैं जैसा कि यहाँ हो रहा है, माइनस थ्री रखने पे ये जीरो हो जा रहा है। सो सॉल्यूशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी रेस टू पावर फोर माइनस एम रेस टू पावर फोर y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एम एक्स। cos हाइपरबोलिक का मान होता है वन बाई टू ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स। यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्मॉल m तो यहाँ आ रहा है इसलिए हम d की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल m। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैपिटल एम रेस टू पावर फोर माइनस स्मॉल एम रेस टू पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर्स कर लेंगे हम, एम माइनस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ये इसके और फैक्टर्स हो जाएंगे फर्दर। देयरफॉर एम इज इक्वल टू स्मॉल एम माइनस एम एंड प्लस माइनस आयोटा एम।
Therefore, complementary function will be c1 e raised to power mx plus c2 e raised to power minus mx plus c3 cos mx plus c4 sin mx. ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा. देन पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी वन अपॉन डी रेस टू पावर फोर माइनस एम रेस टू पावर फोर वन बाई टू ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स. दिस विल बी पर्टिकुलर इंटीग्रल. Now this is equal to 1 upon d minus m into d plus m iske factors kar lenge into d square plus m square. Half is constant so hum isko yahan bahar rakh lete hain aur into e raised to power mx plus e raised to power minus mx. This is equal to 1 by 2 d minus m. इसको अलग अलग कर लेते हैं आप. d plus m d square plus m square e raised to power mx plus 1 by 2 into d minus m d plus m into d square plus m square e raised to power minus mx. यहाँ पर सब जगह d की जगह m रख देंगे. केवल इसमें जीरो रहे तो इसको अलग छोड़ देंगे. वन अपॉन डी माइनस एम इंटू ये हो जाएगा टू एम एंड दिस इज टू एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस वन बाई टू. यहाँ माइनस एम रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एम वन अपॉन डी प्लस एम एंड d square plus m square. This will be minus m ka square, m square ho jayega. So this will be also 2m square e raised to power minus mx. Now this will be equal to 1 by 8 m cube into x upon factorial 1 e raised to power mx plus 1 by माइनस एट हो जाएगा ये एम क्यूब एक्स ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स. सो दिस विल बी पर्टिकुलर इंटीग्रल. कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. दोनों की वैल्यूज रख दीजिए. यहाँ सी एफ हमने निकाला था. सी एफ था हमारे पास सी वन ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स प्लस सी थ्री कॉस एम एक्स प्लस सी फोर साइन एम एक्स. और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू और आप यहाँ से लिख दीजिए ऊपर जो हमने निकाली है. दिस विल बी प्लस x अपॉन एट एम क्यूब ई रेस टू पावर एम एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स. इसमें से आप चाहें तो वन अपॉन टू भी यहां ले सकते हैं. ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एम एक्स. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस जहां पर कि q जो है ई रेस टू पावर एम एक्स की फॉर्म का हो. इस तरह के क्वेश्चंस आप करना और जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आप पूछ सकते हो.
जरूर पूछें, पढ़ना शुरू करो, अपना पढ़ाई शुरू करो और रोज अपने सवाल करो, और जो भी नहीं आता है आपको वो पूछ सकते हो। देन क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस तरह के, जहां पर कि हमें निकालना है वन अपॉन एफ डी ऑफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स होगा। अब जैसा कि हमें मालूम है कि डिफरेंशियल ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स, देन डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, देन डी क्यूब साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब कॉस ए एक्स, एंड डी फोर साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स। सो वी सी दैट एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, देयरफॉर वन बाई एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और वी कैन राइट एफ ऑफ माइन डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा हो तो वन अपॉन एफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर ऑफ कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, ये फॉर्मूले हमें याद रखने। लेकिन अगर उस केस में क्या होगा, जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाए, उस केस में हमारे पास क्या आएगा? सो हियर वी कैन राइट एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो? सपोज वी हैव वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, कोई सा भी हमारे पास हो सकता है, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर रखने पर ये जीरो हो जाएगा। इसके लिए हम करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स के, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स। आयोटा ए एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू आयोटा ए इंटू वन अपॉन डी माइनस आयोटा ए ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स। अब जैसे कि हमने पहले किया है पिछली एक्सरसाइज में सवाल, उसी तरह से यहाँ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन अपॉन टू आयोटा ए इंटू ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटू क्यू मीन्स ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू आयोटा ए ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू इंटीग्रल डी एक्स मीन्स एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्स ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए, और वी कैन राइट इट एज कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स अपॉन टू ए इंटू आयोटा स्क्वायर।
आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू ए. आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. नाउ मल्टीप्लाइड विद आयोटा एक्स. सो दिस विल बी आयोटा एक्स कॉस ए एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन एक्स साइन ए एक्स. Now if we compare real and imaginary parts, then we will have यहां पर भी ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स. एंड दिस इज इक्वल टू, हमने जो निकाला है वो है माइनस वन बाई टू ए आयोटा एक्स कॉस ए एक्स माइनस एक्स साइन ए एक्स. नाउ कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. वी हैव वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू ए साइन ए एक्स. एंड वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू आयोटा वाला पार्ट ये, तो माइनस एक्स बाई टू ए कॉस ए एक्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा. हर बार हम इतना डिराइव नहीं करेंगे. जब भी वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो हो जाता है तब इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई टू ए साइन ए एक्स. अगर कॉस है तो साइन वाले में ही आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू ए कॉस ए एक्स. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अब हम. जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स. सो ए इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यूब प्लस ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू जीरो और एम इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस आयोटा ए. सो सी एफ इज सी वन ई रेस टू जीरो एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट ही रहेगा वन हो जाएगा. देन सी टू कॉस ए एक्स प्लस सी थ्री साइन ए एक्स. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन डी क्यूब प्लस ए डी साइन ए एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू वन बाई डी इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स. सो हियर वी सी दैट इफ वी पुट डी के जगह माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह तो ये जीरो हो जाता है. यहाँ से हम फॉर्मूला काम में ले लेंगे. ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू ए कॉस ए एक्स. इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए क्योंकि वन अपॉन डी का मतलब क्या है, इंटीग्रल. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वन बाई टू इंटीग्रल एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स बाई पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. क
कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन ए एक्स बाई ए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स वन साइन ए एक्स बाई ए डी एक्स. दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू ए स्क्वायर साइन ए एक्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स विल बी माइनस कॉस ए एक्स बाई ए. नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y is equal to cf plus pi, where cf is this much and particular integral is this. इस तरह से हम इनको कर सकते हैं सवालों.